सबसे पहले आप सभी को शुक्रिया, आप लोग मेरे जन्मदिन पे आए और बहुत एक्साइटेड हूँ। आज मेरी फिल्म हीरे का फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ है और हीना का मुहूर्त है, तो बहुत बहुत ही मैं मतलब भगवान को शुक्रिया अदा करूँगी और मेरे सारे फैंस फॉलोवर्स और मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं और जितने भी सीनियर्स हैं मेरे जो एक्टर्स हैं आर्टिस्ट हैं सबको तहे दिल से शुक्रिया। ये सब आपके ब्लेसिंग्स हैं जो मैं आज इतना अच्छा काम कर रही हूँ और कहीं ना कहीं अपने करियर के स्टेज पे आगे बढ़ रही हूँ, तो बहुत खुशी होती है। हीरे जो है हमने जो शूट किया है बहुत ही हार्डकोर लव स्टोरी है और पोस्टर आप देख रहे होंगे, जैसे होली पे ये फिल्म रिलीज़ होने वाली है और बहुत ही इमोशनल है, इस फिल्म में इमोशन से भरा हुआ है और बहुत ही हमने मेहनत किया है। हमने हमारी डायरेक्टर है संजू जी, उनका पहला फिल्म है हीरे, तो लगभग सारे लोग ने मिलके बहुत इसमें हार्डवर्किंग किया है। हम गैंगटॉक गए थे गाना शूट करने और बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस है उसमें। और हीना देखा जाए तो एक बहुत ही डिफरेंट प्रोजेक्ट है जिसकी शूटिंग बहुत जल्द शुरू होगी और उम्मीद करते हैं हीना भी बहुत अच्छा बने। मैं बहुत खुश हूँ और मुझे अब तक का मेरे करियर में जो भी मेरे साथ चीज़ें हुई हैं, मैंने जितना भी वर्क की हूँ और जितने भी मेरे फैंस हैं और जितना सपोर्ट मुझे मिलता है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और मैं यही प्रे करती हूँ भगवान से कि ये सपोर्ट मेरे सीनियर्स का, मेरे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स और मेरे जितने भी वेल विशर्स हैं उनका हमेशा मुझ पर बना रहे और जब भी हम काम करें एक पॉजिटिविटी के साथ काम करें और हर प्रोजेक्ट को बहुत दिल से दिल लगा के मैं हार्डवर्क करूँ ताकि लोगों तक पहुँचे कि जो लोग नहीं जानते मुझे काजल यादव को वो लोग भी जाने कि एक आर्टिस्ट है जो बहुत हार्डवर्किंग है, बहुत अच्छा मेहनत करती है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है। ये बिग बॉस की तो हम बहुत ही फैन रहे हैं, हम लोग बहुत छोटे थे घर पे, हर मेरी बहनें मेरी मॉम हम सब साथ में बैठ के देखते हैं, इनफैक्ट अभी भी देखते हैं। और खेसारी जी जब गए तो एक अलग ही लगाव था, जैसे मम्मी पहले इंटरेस्ट नहीं लेती थी बिग बॉस देखने में, जब से खेसारी जी गए तब से तो उनको उनका इंटरेस्ट लेवल और हाई हो गया, अरे मेरा बेटा खेसारी आने वाले क्या है क्या क्या नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा। खेसारी जी थे और उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ अपनी गेम खेली और अपने अपने आप को उन्होंने जो स्टार थे उन्होंने वो स्टार जो उनका एटीट्यूड था उन्होंने वो बरकरार रखा, उस लेवल से डाउन नहीं हुए औरों को देख के, तो इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड फील होता है खेसारी जी पे। और उम्मीद करती हूँ आगे भी जितने भी स्टार्स जाएंगे हमारे बिग बॉस के घर में तो वो लोग सब रॉक करेंगे। ऑफकोर्स बिग बॉस के बाद में राजनीति में देखिए मनोज तिवारी जी और केजरीवाल जी का टक्कर होने वाला है मुख्यमंत्री पद के लिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, किस सपोर्ट करेंगे आपको? एक्चुअली पॉलिटिक्स में ज़्यादा मुझे उसका नॉलेज है नहीं, तो मैं ऑफकोर्स मेरा मुझे उस चीज़ का नॉलेज ही नहीं तो मैं अब क्या बात करूँ उस बारे में, लेकिन जो भी है अच्छी चीज़ है कि जीत हो हमेशा मैं यही चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। अरे सुबह से बहुत, इनफैक्ट रात से ही फ़ोन कॉल आना शुरू हो गए थे और सबसे इस साल का मेरा मुझे लगता है अब तक का मेरा बेस्ट जन्मदिन है। मैं सुबह फेसबुक खोली सिर्फ मेरे ही पोस्ट, मतलब लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे, मैं बहुत ही मतलब मेरा ये मूड उग गया है सुबह से स्माइल करके ब्लश करके मतलब जितना मम्मी भी बोल रही है अरे तेरे ही पोस्ट दिख रहे हो मुझे मेरे, और मैं सबके स्क्रीनशॉट लेके रखी, मुझे इतना अच्छा लगा और इतने लोगों के फ़ोन्स आए और जिन लोगों से आप जब शूट पे मिलते हो तब सिर्फ बात करते हो और जब कभी हेलो हाय भी ना हो और अचानक उनका फ़ोन आ जाए, और बहुत से सीनियर्स एक्टर्स हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया, अमित शुक्ला जी ने स्पेशली फ़ोन किया और मेरे लिए गिफ्ट परचेस कर रहे थे तो मुझे कॉल किए, बोला बेटा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है देखो, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स लगभग बहुत लोगों का आया, मैं बहुत खुश हूँ मैं, और मैं उन सब लोगों को मैं शुक्रिया अदा कहूँगी कि आप लोगों ने मेरा जन्मदिन बहुत ही स्पेशल कर दिया। अरे नाम अभी आया है लगभग, अभी सेलिब्रिटी क्या
अभी सभी अपने लोग हैं ना जो हमारे साथ काम करते हैं, तो सब मतलब लगभग प्रशांत निशांत जी जो अपने डिस्ट्रीब्यूटर है, प्रशांत जी का आया फ़ोन, देन चिंटू जी का फ़ोन आया था, कुणाल जी का आया है, काफ़ी लोगों का आया है और है और से तो मम्मी ही हमारे लिए बहुत बड़ी गिफ्ट है और इतनी अच्छी मॉम, हमें इतने अच्छी परवरिश दी है उन्होंने, इतना संघर्ष करने के बाद भी हमें इतने अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया कि हम कहीं पे भी अच्छा स्टैंड ले सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकते हैं। तो ये मॉम ही जो हमारी ज़िंदगी में है, माया यादव जी, तो वही बहुत बड़ा गिफ्ट है और हमेशा उनका सपोर्ट होता है मेरे हर प्रोजेक्ट में और वो हमेशा मुझे, हम जब मैं उनके बिना अगर शूट पे होती हूँ तो डेली हमारी बात होती है, बेटा हर सीन को अच्छे से दिल लगा के करना, कोई चीज़ गलत नहीं, ये नहीं, अपना काम पहले, स्क्रिप्ट अच्छे से, मतलब वो हमेशा सपोर्ट उनका रहता है और वो चाहती है कि मैं और इम्प्रूव करूँ और मैं कर रही हूँ। हाँ, बचपन में हम पहले जहाँ रहते थे वहाँ एक आंटी होती थी, मतलब उस कंपाउंड की, तो हम सब छोटे छोटे बच्चे, मतलब बहुत छोटे छोटे थे, तो हम लोग क्या करते थे ना, किसी का बर्थडे होता था तो सपोज़ किसी के पास केक लेने के पैसे नहीं हो तो वो क्या करते थे ना, अपने घर पे जाके मीठी रोटी बनाते थे, वो शक्कर वाली, तो आंटी बोलती थी चलो कोई हलवा बना के ला दो, कोई मीठी रोटी बना के ला दो, तो हम लोग क्या करते थे, एक जगह हलवा रखते थे, एक जगह मीठी रोटी रखते थे, तो उसी को हम हैप्पी बर्थडे टू यू करके उसके सेलिब्रेट करते और सबको केक समझ के सबको मतलब एक एक निवाला खिलाते, हम ऐसे करते करते बहुत ऐसे सेलिब्रेट करते। और हमारा जो मम्मी ने जिस तरीके से मैं और मेरी बड़ी बहन का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, वो हम दोनों को सेम कपड़े देती थी जैसा उसको, उसको हम दोनों को एकदम परियों जैसा सजाती और बहुत बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने एक राजकुमारी की तरह हमारा बर्थडे हमेशा सेलिब्रेट करती थी वो, और बहुत अच्छा लगता था। बचपन के दोस्त एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा था, मैं जब स्कूल में भी थी तो पता नहीं, मैं बहुत शाय टाइप की थी और मुझे लोगों से बात करना अजीब लगता था, ऐसा लगता था क्या बात करना, क्या दोस्ती करनी, तो मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाती थी। इसके लिए आज तक मेरे लाइफ में कोई ऐसा क्लोज फ्रेंड बोलते हैं ना जिससे हम अपना हर चीज़ें शेयर करें, ऐसा कोई रहा ही नहीं है मेरी लाइफ में, तो लगभग सब नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, कुछ लोग हैं जो प्रोफेशनली जुड़े हैं तो नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, ऐसा कोई क्लोज दोस्त नहीं है मेरा। तो ऐसा देखा जाए तो स्कूल टाइम के हैं एक आध लोग जो फेसबुक से जुड़े हैं मुझसे, उनके विशेज आए हैं। जी, भोजपुरी इंडस्ट्री में इतने बड़े स्टार्स हैं, खेसारी जी हैं, पवन जी हैं, दिनेश जी हैं, उनके साथ फिल्म करने के लिए इच्छुक नहीं है आप, मतलब ज़्यादातर फिल्म आपके कुणाल जी के साथ आई है, क्या कहना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स हूँ, कौन नहीं होगा एक्साइटेड उनके साथ काम करना, मतलब जो भोजपुरी में आप हो तो ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी उनके साथ काम करूँ। इनफैक्ट मैंने खेसारी जी के साथ फिल्म भी की हूँ एक, और एक स्पेशल सॉन्ग की हूँ जाल में, और मैंने चिंटू जी के साथ काम किया जो हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार एक्टर हैं, और ऑफ कोर्स मैं चाहूँगी कि ये मेरा 2020 है जो मैं हमारे इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स एक्टर्स हैं उनके साथ भी काम करूँ। जी, होली में रिलीज होगी, और हीरे बहुत ही प्यारा शब्द है जिसे हम अपनी जो लवर्स होते हैं उनको प्यार से हीरे बोलते हैं, सोनिया बोलते हैं, तो ऐसे क्यूट सा एक वर्ड है हीरिया, हीरिए। तो इस फिल्म में मेरा जो कैरेक्टर है एक नॉर्मल कैरेक्टर है, और किस तरीके से ये एक प्यार में पड़ती है और उनका प्यार इतना प्योर होता है और वो किस लेवल पर अपने प्यार को ले जाते हैं, तो ये चीज़ है। जी जी ऑफकोर्स, फिल्म के हीरो है कुणाल तिवारी जी, और काफ़ी अच्छा काम किया है उन्होंने, ऑफकोर्स वो बहुत अच्छे एक्टर हैं। उनके साथ मेरी पहली फिल्म थी जमाई राजा, जबकि हम एक दूसरे के ऑपोजिट पैर नहीं थे, लेकिन मैंने उनका जब थिएटर में मैं वर्क की तो मैं डेफिनेटली, मैं घर पे आई तो मैं सिर्फ और सिर्फ मम्मा से ये कही, अरे कुणाल तो इतना अच्छा एक्टर है, कितनी अच्छी एक्टिंग की है, तो मैं बोली हाँ, मैं बोली हाँ, इससे पहले मैंने शायद उनका कुछ देखा नहीं था, तो उस दिन से कहीं ना कहीं मुझे लगा अरे बहुत अच्छा एक्टर है और इनके साथ
कहीं ना कहीं अगर मेरी जोड़ी आएगी तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगेगा काम करने में. तो ऐसे ही हमारी फिल्म आई एक विवाह ऐसा भी, दिल का रिश्ता, प्रेम कैदी और अभीरिये, तो बहुत अच्छे, हम बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारी ट्यूनिंग अच्छी है जी. लव स्टोरी है और अभी तो ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते क्योंकि अभी चल रहा है प्रोसेस में, जल्द उसका भी अनाउंसमेंट किया जाएगा. हाँ ऑफकोर्स, मैं मेरे फैंस और मेरे वेल विशर्स से यही कहूँगी कि मुझे अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए. और ये 2020 मेरे लिए 2019 से भी ज़्यादा धमाकेदार हो. और जैसे कि आप सब चाहते हैं, मैं खेसारी जी, पवन जी, नीरवा जी, हमारे इंडस्ट्री के कितने भी अच्छे हीरो हैं और हीरोइंस हैं, सबके साथ मैं काम करूँ, ये सब आप लोग ब्लेसिंग्स दीजिए तो ही पॉसिबल होगा. और मैं चाहूँगी कि आप लोग हमेशा मुझे अपना प्यार दीजिए और आशीर्वाद दीजिए. थैंक यू सो मच. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.